तो झाड़ू लग रही है, मैंने कहा था, मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, बोले कि नहीं चल तू, तेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मैं ही लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और ये अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है, कह रही मम्मी कितने दिन बाद आई हूँ मैं, पहले हम लोग गर्म गाँव में रह के जाते थे, पता नहीं अब तो कब आना होगा। बड़े अफसोस के साथ मैं बोल रही हूँ, यही होता है। देखो ये हमें देख के ना यहाँ आ गई, तो मैंने इसको प्रसाद दिया, क्योंकि खाना तो था नहीं, प्रसाद दिया इसको, ये खा के मस्त है, घूम रही है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं था, तो फिर बेचारी सोचते होंगे कोई है नहीं। अब हम लोग आए तो हमें देख के आ गई है, इसका मन कर रहा था कि हाँ भाई चलो मिल के आऊँ। हाँ और ये देखो वापस से घास हो गई है, अभी तो घास काट के गए थे, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं। अरे बेटा फिर से घास हो गई है। हम लोग आ चुके हैं सांझापुर में, और गांव में प्रसाद चढ़ा के आ गए हैं। यहाँ से कुछ सामान लेना था, तो ये सांझापुर की मंडी है और बहुत बड़ी मंडी लग गई। यहाँ पे आम का जो सीजन आता है ना, नहीं आम का सीजन आता है ना, तो यहाँ पे ना बहुत तगड़ा बाजार लगता है, आम के लिए फेमस है। यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा बाग है ना, तो आम के लिए फेमस है सांझापुर। वो सस्ते भी आम मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, हर क्वालिटी के। ले लेंगे फिर, ले लूँ मैं। नहीं यार ऐसे मत खरीदो, अगर किसी ने बोला होता तब तो ठीक था, तो पैसे बर्बाद करने। अच्छा हाँ हाँ सही बात है, अभी 220 मिल रहा, मैंने फेंक दे दूंगा, मैं फेंक दूंगा। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं फिर आप, लेकिन आप कस्टमर हैं कहाँ ना, ले तब करेगा। हाँ छोड़ो ना, अगर कोई पक्का होता कि हाँ भी ला के दो तब तो ठीक था। नहर का पानी पी रहा है जानवी ने सोचा, डैडी को प्यास लग रही है, नहर का पानी पीने के मन में है जानवी। हाँ यार ऐसे बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे ऐसे मैंने कहा आज चल जाओ, मैंने मना कर रहा था, कहने कहाँ पहुँची है पूछा, कहाँ पाया पूछे तो सामने से सामने से तो ये देखिएगा, हम आ गए हैं वापस से किठोर के बाजार में। ये बाजार ना हमारे लिए मतलब जाते टाइम भी पड़ता है और आते टाइम भी, अगर हम लोग जाते हैं गढ़ की तरफ से तो ये नहीं पड़ता है, सीधा निकल जाते हैं। अब हम गांव जाके वापस से आ रहे हैं, तो किठोर में वापस से आ गए हैं अभी, और यहाँ बड़ा नदी भी रहे हैं पानी। इनको लग रही थी प्यास, गर्मी हो रही है बहुत तेज, सुबह शाम की ठंड हो गई, दिन में तो बहुत गर्मी है, इतनी धूप हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है गर्मी की वजह से। थैंक यू। तो ये देखिएगा गाइस, ये है चाय और कुल्हड़ में, तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। कप में तो रोज पीते हैं, आज हम पीते हैं कुल्हड़, कुल्हड़ ही बोलते हैं ना इसको शायद, मैं तो कुल्हड़ ये पता भी है। अरे यार इसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, निकाल इसे, निकाल इसे, निकाल ले कपड़ा, ले ग्रास कॉपर है ये, तो ग्रास कॉपर यार मत बना, ग्रास ऊपर ग्रास में जाकर अपने कुछ खिलाए, मैं खाना के इधर आके बैठ जाओ, आगे जाना है तुम्हें, फिर ज्यादा यूज होती है ना, बैठ जा रहे 10 ग्राम हो गई, 4 ग्राम हो गई, बहुत है कितने की आई, 220 रुपए की दे रहा हूं, 220 ना हो गई 200 तक के शायद, वहां कितना रेट है, 1000 बाबे 700 1500 आज 1500 है, बहुत है ना, हां हां
जैसे जैसे से बोलिए तुम से बोलिए पटेल को तो ये लोग साइड में कहां लट तू से सर यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी रामचंद्र जी सीता जी विष्णु भगवान सारे देवता देवी देवता हैं और यहाँ पे लगी हुई है जूते चप्पल की और ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ ये देखो जाम लग रहा है ऐसे खिसक रही है गाड़ियाँ जैसे कि मक्खी फिसलती है धीरे 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 रेंग रही हैं मैं यहाँ पे तो कुबेर जी की भी वो है मूर्ति रेंग रेंग के चल रही है कहाँ मिलती नहीं है जल्दी से कहाँ ये देखो रखी सामने हाँ होती है मिलती नहीं है पर जल्दी से मिल जाती है अब मिल जाती है बेटा पहले नहीं मिलती थी ना यहाँ पर बहुत तकड़ा जाम लग रहा है बहुत धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं और घर पहुँचने की बहुत जल्दी है क्योंकि शाम होने वाली है फिर पूजा का भी काम करना है तो बहुत परेशान हो गए थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि घर पे अगर कोई करने वाला हो ना काम तो जाकर लेट जाऊँ ऐसा ही मन कर रहा है मेरा तो सर दर्द है बहुत तेज मुझे तो यहाँ का कुछ अच्छा ना लगता तो अब हम आ गए हैं छोटा क्या बोलते हैं इसको हरिद्वार छोटा हरिद्वार सामने देखो फॉरनर खड़ी है छोटा फॉरनर नहीं है मैं कह रही ये फॉरनर है छोटा हरिद्वार में क्योंकि हरिद्वार में तो घूमते हैं है ना अभी ये भी मेरी तरह मैड है आया रील बना रही है तो ये लोग छोटा हरिद्वार शूज पहन रहा आ रहा है साहब खा रहे हैं खैनी गुटका क्या बोलते हैं इसको तंबाकू तो कितनी बार बोल दिया नहीं खाते हैं नुकसान देता है बट इन्हें समझ में नहीं आता सब कुछ छोड़ेंगे बट तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे मार्केट पूरा रात को ज्यादा अच्छा लगता है कहीं बोल लिया हूं दो सलियों पूछे लिया हूं बोल दिया क्या कह रहा हूं छोले भटूरे पैरोटी उसके बाद में कुछ भी ले आओ फिर डोसा आता है लास्ट में ये देखो मार्केट पूरी चहल पहल है दिन में भी रात में तो जगमग जगमग होगी यहाँ पे आज ही है हाँ दिवाली के टाइम तक ही रहता है वैसे मार्केट में आके लग रही है कि हाँ दिवाली से वरना तो लग नहीं रही दिवाली है इस बार महंगाई इतनी हो रही है महंगाई की वजह से हर फेस्टिवल धुंधला होता जा रहा है ये देखो यहाँ भी जाम लगा हुआ है जाम सा ही समझ लो भीड़ लगी हुई है तो किसी भी वजह से हो ना इसके से हो रहा जाम किसी भी वजह से हो है तो सही सारा
गाड़ी बंद नहीं हुई, गाड़ी की गधा बीच में खड़ी। ये कितनी प्यारी बन गई स्टैचू ना। हाँ, रात को तो रोना के अलग होती है, तो मार्केट भी पूरा चेंज लग रहा है। जानवी चल बेटा, चल जाओ ससुराल, तुझे विदा कर चले। बोलती ना चुप हो जाती, कभी सच में उतार दी लगाया। आप इसे गुस्सा मत दिलाओ, वरना ये आपके ऊपर नहीं है। आप अपने घर पहुंचेगी अकेली और आपको कर देगी गेट के बाहर खड़ा। बजा देना ना बैल, बचपन की ध्यान है, गेट बंद करके सो जाती थी, शीशा उतारना पड़ता था अंदर जाने के लिए। ये वो डोसे वाला मिल तो रखे डैडी, डोसा वाला कहाँ है? वनकम डोसा वहाँ था नहीं, मैंने कहा था मैं मजे आ रहे हैं हमें तो घूमने में, घुमाते रहो, घर जाके काम करना ही ना, घर जाके खाना सर्वेंट बना के रखेंगे, लोग बैठे हुए हैं, वही तो कह रहे घुमाते रहो बस मार्केट में। आप खरीदवाओ मत कुछ भी, बस घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, विंडो शॉपिंग कराते रहो, घूमने में क्या जा रहा है। छोले भटूरे भारी पड़ रहे हैं भाई, इस टाइम छोले भटूरे मिलने मुश्किल हो रहे हैं और डिमांड हो रही है छोले भटूरे की। आप नहीं जानते उसको। घंटे एक घंटे अपने रोटी रोटी खा सके पॉज। देखो दुकानें सजी हुई हैं दिवाली के उपलक्ष में, और ये है हमारा तंशु, इसने कटिंग करा लिया, देखो कैसा लग रहा है इसका कटिंग बताना जरूर। मैंने कहा था मैंने भैया बीच में से हल्के करवा ले, लेकिन बीच में से हल्के नहीं करवाए, इसको पसंद नहीं है ज्यादा छोटे बाल, लग भी नहीं रहा कटिंग करा रखा है। अब इसे नीचे को उतार लो। अच्छा जी। A few moments later. यहाँ बन रही है रंगोली, अभी इन प्रोसेस है ही, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये बैठी हैं बनाने वाली आर्टिस्ट जानवी बढ़ाना।